सोलर विशेष। तो गाइज आज मैं आ गया हूँ दक्ष मंदिर पे। तो मैं आ चुका हूँ आज कनखल में, जो महादेव भगवान की ससुराल भी कही जाती है। तो आज हम आ गए हैं जहाँ सती माता जी ने अपना शरीर त्यागा था और महादेव जी ने अपने ससुर का सिर धड़ से अलग किया था। है तो इसकी पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में दूंगा, तो गाइज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और गाइज वीडियो को बिना स्किप किए देखना और गाइज इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना जिससे कि मेरी और ऐसे आने वाली वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे। हरिद्वार से 4 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है कनखल। कनखल में ही है दक्ष मंदिर और ये हरिद्वार का मुख्य मंदिरों में से एक मंदिर ये भी है। तो भाई हरिद्वार में ऑटो रिक्शा से घूम के हम गए थे थक, तो हमने बुला लिया राहुल को और हरि को, मैं अपने लेके आ गई बाइक और अब हम करेंगे ट्रैवल पूरा बाइक से। तो भाई पीछे है हरि और तो भाई फाइनली हम पहुंच गए दक्ष मंदिर के बिल्कुल मेन गेट पे। ये मेन गेट है, अब हम इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में आपको आती है नज़र आएंगे भोले शंकर जी, जो माँ सती को अपनी गोद में ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सती माता ने अपने आप को हवन कुंड में कूद कर अपने प्राण त्याग दिए थे। इसके राइट साइड में खाने पीने की स्टॉल लगी हुई है और लेफ्ट साइड में है टॉयज वगैरह या प्रसाद वगैरह आप ले सकते हो। मंदिर में एंट्री करते ही आपको नज़र आएंगे बहुत सारे स्टॉल और मंदिर के गेट के सामने 2 शेर आपका वेलकम करेंगे। तो अब चलते हैं और शेरों के बीच से निकलकर दिखाते हैं आपको दक्ष मंदिर कैसा है और यहाँ पर क्या क्या घूमने की जगह है। ये मंदिर हरिद्वार का सबसे प्राचीन मंदिर में से एक है। मंदिर में प्रवेश करने का द्वार आगे है, तो आगे चलते हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले मंदिर के बाहर एक बड़े वृक्ष के सामने गंगा नदी बह रही है, तो उसमें आप पहले स्नान कर सकते हैं या फिर हाथ मुंह धो के भी आप अपने आप को पवित्र कर सकते हैं और उसके बाद आप गंगा माँ को हाथ जोड़कर आप मंदिर में एंट्री करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार ये वही मंदिर है जहाँ पर राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था और इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया सिवाय भोले शंकर के। इस अपमान को माता सती सह न पाई तो माता ने इस यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए और भोले शंकर को इस बात पर बहुत ही क्रोध आया, तो उन्होंने आकर राजा दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। आइए अब चलते हैं, ये है दक्ष यज्ञ कुंड, तो आइए चलते हैं जहाँ सती कुंड भी है बना है, तो आइए दिखाते हैं आपको अंदर से कैसा है। यहाँ पर है दक्ष प्रजापति का हवन कुंड और आगे जाके है जहाँ पर सती कुंड बना है। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे और दिखाते हैं आपको सती कुंड। तो मंदिर के अंदर फ़ोटो खींचना वैसे अलाउ नहीं है। ये है वो सती कुंड जिसके अंदर माता सती ने अपने प्राण त्यागे थे। इस मंदिर की देख रेख बहुत अच्छी तरीके से की जाती है और समय समय पर इस पर पेंट भी किया जाता है जिससे कि इसकी ये खूबसूरती यहाँ से गायब ना हो। दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर के सामने ही है श्री दरासा महाविद्या मंदिर। आइए चलते हैं इसके अंदर और आपको इसके अंदर के दर्शन कराते हैं। ये मंदिर अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर के सामने ही बिल्कुल बहुत सारे मंदिर बने हैं, तो आप एक एक करके सभी मंदिर में चले जाइए। अभी हम चलते हैं एक हनुमान जी का मंदिर जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत बना है, तो
तो आइए चलते हैं और हनुमान जी के आपको दर्शन कराते हैं। सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर बैठकर बहुत ही आनंद ले सकते हैं और इन मंदिरों को बहुत ही प्यारे से देख सकते हैं, कितने खूबसूरत बने हैं। इस मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर और सावन के महीने में यहाँ पर मेला और भीड़ इतनी आती है कि यहाँ की भीड़ की संख्या लाखों में हो जाती है। मंदिर के बाहर एक दीवार पर भोले शंकर और माँ सती देवी का फोटो बना हुआ है। आप अगर अपने प्राइवेट वाहन से आ रहे हैं तो यहाँ पर पार्किंग की भी बहुत अच्छी सुविधा है। के जस्ट सामने ही है वीरभद्र जी का जो महादेव मंदिर का है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये है। तो आप यहाँ भी ज़रूर आइए और महादेव के दर्शन जरूर कीजिए। बहुत ही प्यारी सी मूर्ति है, लोगों को दिखाता हूँ दोनों को अंदर से। इनके बगल में है भूतेश्वर महादेव मंदिर, वो यहाँ इनकी छत में क्या गजब की कारीगरी की गई है। और अब चलते हैं भूतेश्वर महादेव के अंदर दर्शन करने। यहाँ पर माता शेरावाली जी हैं और यहाँ पर हमारे महादेव, यहाँ बैठे हमारे महादेव। तुम कहाँ हो भाई, जब तक यहाँ बैठे क्या कर रहे थे, मंदिर में क्यों नहीं जा रहे? हाथ जोड़ के बाहर आ गया। अगर आप दक्ष मंदिर पे आओगे तो मई के टाइम पे आना, तो हमेशा यहाँ आपको बहुत ज्यादा मेला भीड़ मिलेगा। तो अभी फिलहाल बिल्कुल खाली है और आप देख रहे होंगे यहाँ पूरे जो प्रांगण है इसमें मेला लगता है पूरा भर के। अभी यहाँ छोटी मोटी एक दो ट्रेन वगैरह खड़ी है। ये हरी पता नहीं क्या बोल रहा, क्या बता रहा भाई, ये हंसता बहुत है भाई। दक्ष मंदिर की वीडियो करते हैं यही एंड। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वॉलिंग पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।